नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर। इससे पहले दोस्तों हमने चैप्टर वन को क्लियर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों बता दूँ कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ पर पहले चैप्टर की तरफ। सॉरी, दूसरा चैप्टर है 1206 ईस्वी से 1757 तक, जो कि संघर्षकालीन भारत का है। इसमें हम पढ़ेंगे जो मुगल साम्राज्य वगैरह हो गए, पुराने वाले जो साम्राज्य वाले उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी तथा मुस्लिम आक्रांताओं को खदेड़ा। यानी कि दोस्तों भारत पर जो क्या थे, विदेशी जो आक्रांताओं ने आक्रमण किए थे। अरबों के द्वारा 636 ईस्वी में अमर खलीफा के समय पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य संघर्ष किया। मोहम्मद गजनवी को कश्मीर के शासक जयपाल तथा आनंदपाल से संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको देखने वाली चीज़ यही है, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत काल जो कि 1206 ईस्वी से 1526 तक ये आपका चला था। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये जो वीडियो है ये पार्ट वन है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इसके नेक्स्ट बाद हम आपको पार्ट टू वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह एक इम्पॉर्टेंट है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ऐबक को लाख बख्श कहते हैं दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। गुलाम वंश की राजधानी क्या थी, तो गुलाम वंश की राजधानी थी लाहौर। लाहौर एक इम्पॉर्टेंट है, लाहौर राजधानी थी किसकी, गुलाम वंश की। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुब मीनार यानी कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो ऐबक ने करवाया। यानी कि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय दोस्तों घोड़े से गिरकर हुई थी। यानी कि पुराने समय में ज़्यादातर क्या खेलते थे, पोलो का गेम खेलते थे। आपको पता है कि घोड़े पर सवार होकर यह गेम खेला जाता है, तो पुराने समय में यानी कि गेम खेला जाता था। तो दोस्तों क्या था कि चौगान से यहाँ पर पोलो खेल समय उन्हें घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर दोस्तों अगला है हमारा इल्तुतमिस, यह ऐबक का दामाद तथा उत्तराधिकारी। उत्तराधिकार क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ पिछले वीडियो में। तो ऐबक का दामाद यानी कुतुबुद्दीन का, ऐबक के बाद में शासन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इसके जो समय काल है वो आपको याद रखना जरूरी है। भारत सभी शिशु में इल्तुतमिश ने रणथंभौर जीता था। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं रजिया सुल्तान, जो कि एक इम्पॉर्टेंट भी है। रजिया सुल्तान कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकार बनाया। रजिया ने पर्दा का त्याग किया था, यानी कि पर्दा जो पर्दा थी पहले, यानी कि पहले दोस्तों क्या था कि घूंघट में ही जो औरतें हैं उनको घूंघट में रखा जाता था। रजिया ने अल्तुलिया से विवाह किया था। जी हाँ दोस्तों, अल्तुलिया से विवाह किया था। अब आगे बढ़ते हैं, बलबन बलबल इल्तुतमिश के तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। बलबन 1265 में गद्दी पर बैठा था। इसकी मृत्यु 1286 ईस्वी में हुई थी। ये जो नोट्स हैं इनको आप अपने नोटबुक में नोट करिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर तुगलक लिखा हुआ है, तुगलक की दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। जी दोस्तों, जो लकड़ी का भवन था वो उसकी सर मैन की उसके गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम सुल्तान बना था। सुल्तान ने 1337 ईस्वी से 1335 तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम दौलताबाद रख दिया। मोरक्का का यात्री, देखिए दोस्तों इल्तुतमिश यानी कि जो 1335 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, कौन सा कर लगाया था, जजिया नामक कर लगा दिया था। 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हुई थी। दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था। दोस्तों यह जो इम्पोर्टेंट है कि सभी की आपको याद करने पड़ेंगे।
आगे आता है सैद वंश। सैद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैद वंश के संस्थापक था खिजर खां। लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का शासक आलम शाह ने दिल्ली शासन का त्याग किया तथा बहलोद लोधी ने 1451 में दिल्ली पर अधिकार किया। 38 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र निजाम शाह सुल्तान बना तथा वह सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। उसने एक गज चलाया जो सिकंदरी गज, ये जो इम्पोर्टेंट है कि सिकंदरी गज किसने चलाया था, तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट भी है और आपको याद भी रखना है कि कौन सा गज चलाया था जो दोस्तों सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है, सिकंदर शाह। ठीक है, इसने 1504 में आगरा का निर्माण करवाया दोस्तों। इसका जो उपनाम है यानी कि उपनाम गुलक खान था। अब दोस्तों बात करते हैं नवंबर 1517 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा की गद्दी पर बैठा। दोस्तों इब्राहिम लोधी इम्पोर्टेंट भी है, सभी दोस्तों ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जैसे SSC ले लो, रेलवे का एग्ज़ाम ले लो, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आता है। 1517-18 ईस्वी में लोधी वराणा के राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, यहाँ लोधियों की हार हुई थी दोस्तों। 1526 में पानीपत युद्ध में सिकंदर बाबा, जी हाँ दोस्तों पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, तुगलक की दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया, बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचकर उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट IT जेईई मेंस एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं सल्तनतकालीन प्रशासन के बारे में। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। सल्तनतकालीन जो प्रशासन है उसके बारे में, मोहम्मद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो क्या होगा, मोहम्मद गजनवी होगा। अब ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मोहम्मद गजनवी पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश, राजनीति तथा महब दोनों क्षेत्र का अधिपति होता है। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा, जी हाँ दोस्तों अमीर वर्ग का प्रभाव रहा था। अमीरों के दो वर्ग थे, तुर्क और गैर तुर्क, जी हाँ तुर्क और गैर तुर्क। फिर देखिए केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक खलवत मंत्री की तरह होती थी। केंद्रीय शासक संस्था के वजीर आरिजे दीवाने तथा दीवाने रियासलता 4 स्तंभ थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाते हुए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। युद्ध के समान लूटो लूट के समान को खस्म, युद्ध के समान लूट को समान को क्या कहते थे, खम्स कहते थे, जी हाँ दोस्तों खम कहते थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं देखता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, लाइक करो यार, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, हमारा जो मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर्स और नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मुगल कालीन भारत के बारे में। 1526 से 1558 तक पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 में परास्त कर मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना था। बाबर तुर्क मुसलमान तथा तैमूर वंश का था। इसकी माँ चंगेज खान की वंशज थी। बाबर पिता के मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बैठा और बादशाह की उपाधि धारण की। यह बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तैमूर वंशीय शासक बना था। जी हाँ दोस्तों अब आते हैं खानवा का युद्ध, एक इम्पॉर्टेंट युद्ध भी है। यह युद्ध 1527 में बाबर व राणा सागर के मध्य हुआ और बाबा यानी कि बाबर विजय हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध के बाद से बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने यह युद्ध तुगलमा पद्धति से जुड़ा था। अभी पद्धति क्या होती है इसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा।
बाबर ने जिहाद का नारा दिया। दोस्तों बाबर ने कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया था। अब आगे बात करते हैं, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर को आगरा में यमुना नदी के किनारे आराम बाग में दफनाया गया था। दोस्तों ये एक दफनाना एक इम्पॉर्टेंट है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा में यमुना नदी के किनारे आराम बाग में दफनाया गया था। बाबर ने अपनी दिनचर्या तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर की दो पुस्तकें बाबरनामा तथा तुजुक एक बाबरी थी। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं दोस्तों गागरा का युद्ध की तरफ। यह युद्ध 1529 में बाबर व अफगानों के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। दोस्तों अब आते हैं चंदेरी का युद्ध। यह 1528 में बाबर व मेदिनी राय के मध्य हुआ। इसमें भी बाबर विजय हुआ। दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गागरा का युद्ध कब हुआ व किसके मध्य लड़ा गया, फिर चंदेरी का युद्ध कब हुआ किसके मध्य लड़ा गया। हुमायूं के बारे में बात करते हैं। बाबर के बाद उसका पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं शासक बना था। दोस्तों इसने दीन पना नामक नए शहर की स्थापना की। इसमें मालवा तथा गुजरात पर आक्रमण किया था। अब दोस्तों यहाँ पर बाबर का युद्ध की बात करते हैं। यह युद्ध हुमायूं व अफगान शासक शेर खां के मध्य चौसा नामक स्थान पर हुआ था। 1539 में यह युद्ध हुआ था। दोस्तों इसमें मुगलों की विजय हुई थी। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह को वास्तविक नाम फरीद खां था। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। अब फरीद का नाम कैसे पड़ा? दोस्तों फरीद का नाम शेर शाह का कैसे पड़ा? दोस्तों फरीद खां कहीं जंगल में गए थे। दोस्तों उन्होंने क्या किया था कि बिना हथियार के शेर को मार डाला था, इस कारण से उनका नाम शेर शाह कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कन्नौज का युद्ध किसे कहा जाता है? तो बिलग्राम का युद्ध का कहा जाता है। यह युद्ध 1544 में शेर शाह व हुमायूं के मध्य हुआ था। हुमायूं को हार गया तथा शेर शाह युद्ध में जीत गया। दोस्तों फिर आगे बात करते हैं हमारे यहाँ से। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली का गद्दी पर बैठा था। 24 जुलाई 1955 को हुमायूं दीनपान में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुमायूं जो क्या था पुस्तकालय की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक पढ़ेंगे सूर्य साम्राज्य के बारे में। सूर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल से वर्णन करेंगे, दोस्तों डिटेल से आपको बताएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।